Hello friends, welcome back to my channel. Happy morning to all. My name is Vishal Singh. Before starting the assignment number 10, I would like to discuss one question of previous assignment. This question, unfortunately, I have attempted wrong. In this question, they are asking the Terzaghi assumption. So according to Terzaghi assumption, AV and MV remains constant. So what is AV and MV? AV is coefficient of, what is coefficient of? Compressibility. Yes, coefficient of compressibility. So coefficient of compressibility is what? Delta E upon log of sigma 2 by sigma 1. So it ka matlab ye hua ki jo effective stress mein jo change hai, wo bahut kam ho raha hai. Effective stress mein change jab kam hoga, to iska matlab ye hua ki jo hamare wall ratio hai, usme bhi change kya hoga? Bahut hi kam ka hoga. To aisa tabhi sambhav hoga jab jo लोड लगाया जा रहा है, लोड में जो इंक्रीमेंट है वो बहुत कम है या 1 के बराबर आप कह सकते हैं. तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोड रेशियो शुड बी 1. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का असाइनमेंट नंबर 10. पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आपको बताना है. देखिए कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर रेस्ट क्या होता है, आप इसको समझिए. यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ मैं आपको. देखिए ये हमारा अर्थ है, जनरल केस ले लेते हैं, वाटर टेबल भी आ जा रहा है. ये हमारा एच हाइट का रिटेनिंग वॉल है. यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट लिया, इसको मैं यहाँ पे जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेस जो लगेगा, डेट इज ए स्ट्रेस, व्हाट इज सिग्मा 1, डेट इज ए सिग्मा 2. इसको आपने कह दिया सिग्मा वर्टिकल, इसको कह दिया सिग्मा हॉरिजॉन्टल. इसको इफेक्टिव स्ट्रेस के नाम से जानते हैं. तो अर्थ प्रेशर रेस्ट की बात करें तो क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाई वर्टिकल का रेशियो कहलाता है. इस वजह से इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? डेली ऑप्शन हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, कि रेशियो बताना है आपको, सॉरी रेशियो नहीं बताना है, पैसिव कोफिशिएंट अर्थ प्रेशर आपको बताना है. तो पैसिव कोफिशिएंट अर्थ प्रेशर क्या होता है? केपी होता है 1 + sin φ / 1 - sin φ. देखिए केपी और के एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इस वजह से क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केपी कितना होगा. तो केपी के लिए बात करें तो केपी हो जाएगा 1 + sin φ / 1 - sin φ हो जाएगा, ठीक है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉम्बे. थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में जो आया है पैसिव, उसका रेशियो निकालिए एक्टिव और उसका, ठीक है. अभी बताया मैंने एक्टिव और पैसिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस वजह से एक्टिव हो जाएगा 1 - sin φ, और पैसिव अभी निकाला था हमने 1 + sin φ, तो वैल्यू आ चुकी है हमारी, रिस्पोल कर देंगे दूसरे का, आ जाएगा आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, देखिए क्वेश्चन 4th में कह रहा है कि कूलम्स अर्थ प्रेशर थ्योरी. इसका मतलब पहला जो है आपका एजम्पशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कूलम्स और रैंकाइंस हमारे दो साइंटिस्ट आए हुए थे जिन्होंने अर्थ प्रेशर में अपना अपना योगदान दिया था. तो पहले साइंटिस्ट रैंकाइंस साहब ने ये बोला था कि जो हमने जो माना है वॉल और सॉइल के बीच में फ्रिक्शन को नहीं माना हुआ है, बोले तो रफनेस कंसिडरेशन में नहीं लिया था, लेकिन जो हमारे कूलम साहब थे उन्होंने कंसिडरेशन में लिया था. तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. अब आ जाइए लास्ट स्टेटमेंट पे. एनी मूवमेंट ऑफ द रिटेनिंग वॉल अवे फ्रॉम द फील्ड करेस्पॉन्ड टू द एक्टिव अर्थ प्रेशर कंडीशन. बिल्कुल सही बात कही गई है. जब वॉल हमारा दूर जाता है, यहाँ समझिए, जब वॉल हमारा दूर जाता है, किससे? बैकफिल से दूर जाता है, तो किसका केस हो जाता है? यह केस हो जाता है किसका? एक्टिव अर्थ प्रेशर का केस हो जाता है. इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. तो अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे. इन केस ऑफ नॉन कोहेसिव सॉइल, मतलब कि सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आर इक्वल. तो ये कहना गलत होगा, दोनों बातें अलग अलग होती हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. देखिए अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या होता है? अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के नॉट होता है 1 - sin φ होता है, और एक्टिव क्या होता है? 1 - sin φ / 1 + sin φ हो जाता है. तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या बनकर आ जाता है? इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बॉम्बे. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में दे आर आस्किंग दैट मोहर्स सर्कल इज गिवन, टू मोर सर्कल इज गिवन, स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, सो डिफरेंट पॉइंट्स दे हैव गिवन. ओके, देन दिस इज फिगर हियर ए बी सी. आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज लिसन केयरफुली. ओके सी, फॉर एक्टिव केस के लिए अगर बात करें हम, तो एक्टिव केस में यह जो वॉल है, यह वॉल इस सॉइल से दूर जाती है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऊपर वाला जो जेड लग रहा है, जेड तो फिक्स रहेगा क्योंकि एक लेवल पे बात हो रही है, जेड हो जाएगा फिक्स, सिग्मा जेड हो जाएगा फिक्स, ये स्केल कितनी हो जाएगी? गामा जेड हो जाएगी. अगर ये हमारा जेड डेप्थ पे है, उसका यूनिट वेट गामा है. ओके, तो गामा जेड हो जाएगा.
ये हो जाएगा सिग्मा एच हो जाएगा। दीवार दूर जा रही है, समझिएगा बात को, दीवार दूर जा रही है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एच वाली वैल्यू क्या होगी, क्या होगी वैल्यू, वैल्यू कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, इस वाली वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो हमने आपको स्विंग के कॉन्सेप्ट से पता होगा कि अगर वह प्लेन जिस प्लेन पे कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होता है तो वह प्लेन क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लेन हो जाता है। तो इस प्लेन पे कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है, इस वजह से ये दोनों प्लेन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा, और उस प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये हमारा सिग्मा होता है, ये हमारा शियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह वैल्यू सिग्मा 1 हो जाएगी, या वैल्यू सिग्मा 3 हो जाएगी। ठीक है, यह बन गया भाई मोहर कोलम फेलोर इनवॉल्व, ये बन जाता है सपोज कीजिए। अब यहाँ पे हमने बताया वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो देखिए वैल्यू कम हुई और वैल्यू कम होगी और वैल्यू कम हो जाएगी साहब। ठीक है, ये सिग्मा 1 हो जाएगा मेजर, और ये क्या लिखा हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। ये तो कहानी हो गई एक्टिव। पहले पढ़िए, पॉइंट ए रिप्रेजेंट दी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ और द एक्टिव अर्थ। बिल्कुल सही बात है, पॉइंट ए जो है वो क्या रिप्रेंट कर रहा है, माइनर अर्थ प्रेशर रिप्रेंट कर रहा है। सेकंड, पॉइंट बी रिप्रेजेंट द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर द एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड द माइनर प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बात है। देखिए फर्स्ट एक्सप्लेन हो गया कि यह जो है मेजर होता है किसके लिए, एक्टिव के लिए। अब पैसिव की बात करें, पैसिव में क्या होता है, जस्ट उल्टा कर देना, बिल्कुल रिवर्स कर देना इस कहानी का। इस कहानी में क्या बताया गया था, ये फिक्स रहता है, इस वाले में क्या फिक्स हो जाएगा, ये वाला फिक्स हो जाएगा। दिस वैल्यू फिक्स, ये वाली वैल्यू क्या होगी, चूंकि इसमें वॉल जो है करीब जा रही है सॉइल के, सिर्फ तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्रेस हो रही चल रहा है। इसमें हमने एलिमेंट माना था, ये एलिमेंट क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस होता चला जा रहा है। इसमें एलिमेंट क्या हो रहा है, इसमें एलिमेंट एक्सपेंड होता चला जा रहा है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि पहले ऐसा बन जाएगा मोर सर्कल। ठीक है, अब उसके बाद यह वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो बढ़ रही थी हमारी, ये वाली वैल्यू, वैल्यू बढ़ रही थी तो ठीक है, बढ़ेगी वैल्यू, बढ़ेगी। एक समय आएगा जब इसको मोर सर्कल को टच कर जाएगी, जब टच कर जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेजर हो जाएगा। अब स्टूडेंट ने थर्ड पढ़िए, पॉइंट सी रिप्रेजेंट द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, इस वजह से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैलकटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सी, सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा कोई वॉल है। ओके, ये हमारा वॉल है, ये वॉल अभी रेस्ट पे है, एट रेस्ट, एट रेस्ट हो गया ये। अब उसके बाद ये ग्राफ ऐसे बनकर आता है, रेस्ट पे तो पी नॉट बोल देते हैं इसको। अब उसके बाद पैसिव वाली वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, एक्टिव वाली वैल्यू कम होती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली वैल्यू कम पे पर फेलोर मिल जा रहा है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा मिलेगा तब जाके सर्कल को कहीं टच करेगा, इस वजह से इसकी स्ट्रेन ज़्यादा मिलता है। इसमें जो लगभग स्ट्रेन मिलता है वो आपका 2 से 5% के आसपास मिलता है, और इसमें 0.2 से 0.5 मिलता है। ठीक है, तो ये पी पी हो जाता है और ये आपका पी ए हो जाता है। ठीक है ना, तो पी ए जो है सबसे कम होता है, तो इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक्टिव कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में आपको लगाना है, तो ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता। नौ, सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कितने मैक्सिमम डेप्थ तक आप एक्सकेविट करें जिसकी वजह से कोलैप्स ना हो। कोलैप्स ना हो मतलब क्या हुआ, जैसे क्ले है, क्ले की सॉइल में क्या होता है कि आप अगर यहाँ से एक्सकेवेशन करते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट होती है, जिस हाइट के बाद, जिस हाइट तक जो है आप एक्सकेवेट कर सकते हैं, और बगल की सॉइल इसमें जो है फॉल डाउन नहीं होगी। लेकिन ऐसा केस सैंड में नहीं हो सकता, सैंड में चूंकि कोहेजन लेस होता है तो इट कैन नॉट स्टैंड विद इट सेल्फ। ओके, सो स्टैंड नहीं रह सकता, ये गिर जाएगा, लेकिन ये जो है रह सकता है बिना किसी सपोर्ट के। तो वही पूछा जा रहा है कितना होता है। देखिए इसमें क्या फॉर्मूला निकल करके आता है, देखिए डेरिवेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, मैं डेरिवेशन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो एच सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ जेड सी, एच सी क्रिटिकल हाइट, 4c अपॉन गामा रूट के, एवरीथिंग इज गिवन, वैल्यू कम्स आउट टू 5.58, कलकत्ता ऑप्शन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या, सॉरी एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको पीपी निकालना है। पीपी मतलब, पीपी मतलब हो गया, एक मिनट एक मिनट, हाँ पीपी का मतलब हो गया आपको निकालना है कि कितना इंटेंसिटी है पैसिव अर्थ प्रेशर की। देखिए यूनिट का ध्यान देना है बहुत आपको अच्छे से। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है ये हमारा, सपोज कीजिए हमारी वॉल है, रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पे ड्राई सैंड है, फाई गिवन है, गामा गिवन है। ओके, इंटेंसिटी बिल्कुल जैसे हमने एफ एम पढ़ा था, एफ एम पढ़ा था, टॉप पे जीरो होता है और जैसे नीचे आते हैं प्रेशर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, टॉप पे वैल्यू जीरो है,
इसी जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, के पी गामा एच यहाँ पे वैल्यू हो जाती है। प्रेशर कितना हो जाएगा, के पी गामा एच हो जाएगा, के पी का सब कुछ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डेली। क्योंकि यूनिट भी ध्यान देना आपको, यूनिट इसमें पूछा जा रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है। अगर टोटल पूछा जाता आपसे किलोमीटर पर मीटर में तो आपको एरिया अंडर कर लेना पड़ता है, इट इज़ हाफ के पी गामा एच स्क्वायर हो जाता। खैर ये कहानी खत्म हो चुकी है यहाँ तक। ओके नौ नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई बैकफिल है, बैकफिल में क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बैकफिल जो है किसी एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने बैकफिल क्या पढ़ी थी, यहाँ तक हमने बैकफिल अभी तो नॉर्मल, हाँ ये क्वेश्चन में लाया था बैकफिल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थी, इस वजह से यहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं था खेल में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बैकफिल इंक्लिनेशन पे कर दी गई है, तो बैकफिल जो इंक्लिनेशन पे रह जाएगी ना तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि एक ट्विस्ट आ जाता है खेल। ट्विस्ट क्या आता है, के बदल जाता है, के का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा जोड़ा फॉर्मूला है बट सिंपल है, आप ध्यान से देखेंगे आपको याद हो जाएगा खुद। देखिए कॉस बीटा बाहर रख देना, आपको अभी तक पढ़ते आ रहे थे हॉरिजॉन्टल रहता है डेट, डेट इज अ बीटा, तो बीटा को जीरो रखो आप यहाँ पर, पहले आप जीरो रख दो बीटा, जीरो 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 क्या निकल गया, वन माइनस साइन फाइव और वन प्लस साइन फाइव। ठीक है तो याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा आंसर। अब कह रहा है उसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना एक्टिव थ्रस्ट लग रहा है, देख रहे हैं क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, एक्टिव थ्रस्ट पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर एट में देखो आपसे पूछा जा रहा था इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर पूछ रहा था, यहाँ पे एक्टिव थ्रस्ट पूछा जा रहा है, यूनिट में फर्क है। ओके यूनिट में किलोमीटर पर मीटर में पूछा जा रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये ऐसा कुछ लगेगा प्रेशर इसका, ये ऐसा लगेगा, ठीक है इसका अर्थ डायग्राम ऐसा बनेगा, वैल्यू कितने आ जाएगी, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू, के निकाल चुके हैं ये हो जाएगी वैल्यू 80.1 किलोन्यूटन पर मीटर। सो ऑप्शन इज दिल्ली। ओके थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है आप ये बता दो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। ओके गाइज हैव अ नाइस डे, थैंक यू।